अश्नूर कौर एंड आप सबको वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मेरे भाई से, जिनको मैं पिछले 5 साल से राखी बांध रही हूँ। एंड हियर वी हैव रोहन भैया। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। क्या रिश्ते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता भाई बहन का कहलाता है? फाइनली समझ में आ गया। जी हाँ, ये कंसेक्यूटिव 5th ईयर है हमारा जब हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतनी छोटी सी थी जब हमने शुरू किया था, और अब मेरे जितनी हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी हो गई, इतना अच्छा काम कर रही है, सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मैं यही चाहता हूँ, यही दुआ करता हूँ। जी बिल्कुल। एंड आई गेस आपने सही बात बोली है। आई मीन जब तक शो चल रहा होता है तब तक हाँ काफ़ी ट्यूनिंग रहती है, काफ़ी टच में रहते हैं, बट टचवुड हमारा ऐसा एक रिलेशन बन गया था। वी वर मोर लाइक फैमिली ऑन द सेट मोर देन को स्टार्स। और आप देख ही सकते हैं अभी तक हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन है जो राखी बांधने का, 5 साल हो गए हैं, फिफ्थ ईयर है ये जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड ऐसे ही चलता रहे हमारे भाई बहन का प्यार, ऐसे चलता रहेगा 100 साल तक। तो अभी स्टार्ट करें। थाली थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, ये वही राउंड वाली थाल नहीं है ये ट्रे वाली थाल है। इधर ऑब्वियसली राखी है, एक दिया है, चावल, थोड़ा सा टिका लगाने के लिए कुमकुम, एंड मिठाइयाँ, फुल ऑफ कैलोरीज मिठाइयाँ जो आज हम चीट करेंगे। बड़ी टेम्पटिंग लग रही है एक्चुअली मिठाइयाँ, तो मैं डेफिनेटली आज खाऊंगा। राखी आज तो बनता है, आज तो चीट बनता है। रोहन भैया गिव्स मी अ गिफ्ट, ये बहुत बहुत सोच के गिफ्ट के बारे में जिसको मुझे चाहिए होता है मैं वही लाता हूँ। तो इस बारी मैं बहुत कंफ्यूज था, तो मैंने इसकी मम्मा को कॉल किया और मैंने पूछा प्लीज़ मुझे बता दो कि इसको क्या चाहिए, क्योंकि मैं कुछ और ले आऊँगा इसको पसंद नहीं आएगा। तो वैसे ही बड़ी हो चुकी है अभी, तो चीज़ें शायद ना पसंद आए। तो उन्होंने बोला कि इसको ना देख लो क्या चाहिए। सो थॉटफुल ऑफ हिम। देख लो क्या है इसमें। ओके, क्या चाहिए क्या नहीं था तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए था, जो खत्म हो गया था शायद, जो खत्म हो गया था? गुड परफ्यूम्स, आई मीन आई डोंट नो। हां सी, आई नो हिम सो वेल। एक्चुअली राखी की मान्यता ये होती है कि जो बहन होती है हमेशा भाई को राखी बांधती है, क्योंकि भाई हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है और फिजिकली स्ट्रेंथ देता है। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, आज मैं अश्नूर को राखी बांधने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टर होती है वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और मैं चाहता हूँ कि इमोशनली हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए आज मैं फ्रेंड को चेंज करने वाला हूँ और मैं आज अश्नूर को राखी बांधूंगा। जो भाई बहन का रिश्ता है काफ़ी अनोखा रिश्ता होता है, एंड ये जो प्रोटेक्शन होती है सिर्फ वन वे थिंग ही क्यों, टू वे थिंग भी हो सकती है, इमोशनली भी फिजिकली भी। एंड इमोशनल सपोर्ट रहे, फिजिकल सपोर्ट रहे, बट आपको बॉन्ड हमेशा हमेशा अपनी बहन का साथ देना,
चाहे वो गलत हो तब भी yes, yes, बिल्कुल गलत हो तब भी और उसको ठीक करना, उसको सुधारना और हमेशा उसको साथ देना, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसका तब भी साथ देना, और भाई बहन का आपका रिश्ता ऐसे हमेशा बना रहे, ये हमारी दुआएं। And wishing all the viewers a very happy Rakhi.